2014 में आई ये फिल्म लोगों के लिए एक बुरे सपने की तरह थी और इसे देखने के बाद वो कई रात सो नहीं पाए, आधे तो डर से और आधे इस जिज्ञासा में कि आखिर इस फिल्म का सच है क्या। वैसे क्या हम इस फिल्म का सच पता कर पाएंगे? आइए जानते हैं फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहां पर एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत ही ज्वाइनिंग ली है। वो एक रूकी है, यानी कि फ्रेशर है। इस लेडी ऑफिसर का नाम है जेसिका लॉरेन। पुलिस फोर्स में ज्वाइनिंग के बाद ये जेसिका की पहली शिफ्ट है और हैरानी की बात ये है कि जिस पुलिस स्टेशन में वो शिफ्ट करने जा रही है वो पुलिस स्टेशन अगले दिन बंद होने वाला है, यानी कि उसकी पहली शिफ्ट उसके पुलिस स्टेशन में आखिरी शिफ्ट भी है। और हमें फिल्म के नाम का मतलब भी इसके जरिए समझ में आता है, यानी कि लास्ट शिफ्ट। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेसिका पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर एंट्री कर रही है और उसे एंटर करते हुए एक अजीब सा इंसान अंधेरे में नजर आता है जो कि दीवार पर अपना हाथ पीट रहा है। उस व्यक्ति को देखकर जेसिका हैरान हो जाती है और वो उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे चिल्लाकर रोकता है और अपना नाम कॉलिन बताता है। कॉलिन जेसिका का बॉस है। वो उसे कहता है कि तुम्हें रात भर यहाँ शिफ्ट करनी है और रात में एविडेंस कलेक्टर्स की एक टीम आकर कुछ एविडेंस लेकर जाएगी, इसलिए और सुबह तक इस जगह को छोड़कर ना जाए। कॉलिन के जाने के बाद जेसिका शांति से अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और ये इंतजार करने लग जाती है कि कब सुबह होगी और वो नए स्टेशन जाकर कुछ काम करेगी। और तभी उसके पास एक फोन कॉल आता है। ये कॉल एक मोनिका नाम की लड़की का है जो कि एक जाल में फंस गई है और तुरंत जेसिका से मदद चाहती है। हालांकि जेसिका ये समझ नहीं पाती कि जब इस स्टेशन की फोन लाइन पुराने स्टेशन चली गई है तो आखिर ये मदद का फोन आया कैसे। लेकिन जेसिका इतना सब ना सोचते हुए नए स्टेशन में फोन करके बता देती है कि मोनिका का फोन आया था। ये फोन कटता ही है तभी जेसिका को दरवाजे पर एक इंसान खड़ा नजर आता है। इस इंसान ने बहुत सारे गंदे कपड़े पहन रखे हैं और ये जेसिका के बार बार कहने पर भी वहाँ से नहीं निकलता। वो जेसिका पर चिल्लाने लगता है। जेसिका को लगता है कि शायद वो इंसान कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि आखिर क्या। जेसिका उस व्यक्ति को बाहर भेज देती है और लॉकर रूम से निकलने लगती है। तभी जेसिका को एक तस्वीर नजर आती है। ये तस्वीर एक पुलिस अधिकारी और उसकी बेटी की है, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि ये जेसिका के पिता की फोटो है। हालांकि फोटो देखते समय सब कुछ सामान्य नहीं रहता और कमरे के सारे लॉकर अपने आप खुल जाते हैं। वो उसके बाद अपने चैम्बर में फिर से जाती है, जहां जाकर उनका फोन बजता है और वो ये देखती है कि मोनिका ने उसे फिर से मदद के लिए फोन किया है। हालांकि वो मोनिका की मदद तो करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं जान पा रही कि आखिर बार बार फोन उसे कैसे आ जा रहा है। उसके बाद वो नए स्टेशन में फोन करके इस बारे में बता देती है। जेसिका इस कॉल को रखती ही है तभी उसे बहुत तेज चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो डरते हुए बाहर जाकर देखती है, तब उसे वो आदमी नजर आता है। वो उसके साथ लड़ने लगता है। जेसिका उसे किसी तरह से घसीटकर अपने साथ ले जाती है और जेल में बंद कर ही रही होती है तभी जेल की लाइट चली जाती है और उसे एक लड़की की आवाजें सुनाई देती है कि चले जाओ यहां से वरना मारे जाओगे। फिर लाइट आती है, सब सामान्य हो जाता है, लेकिन फिर लाइट चली जाती है और जेसिका को प्लास्टिक बैग में भरी लाशें दिखने लगती है। उसके बाद अचानक से सब कुछ नॉर्मल होता है और जेसिका जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। वहाँ उसकी माँ का फोन आता है और वो अपनी माँ को बताती है कि वो अपनी जॉब से काफी ज्यादा खुश है। ये फोन रखते ही जेसिका को पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर किसी की आवाज आती है। वो पता करती है और यह पाती है कि दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है। ये लड़की अब अचानक आधी रात को यहाँ कैसे आई, इस बारे में किसी को नहीं पता। मैरीगोल्ड नाम की ये लड़की जेसिका को बताती है कि ये पुलिस स्टेशन हॉन्टेड है, इसलिए इसे खाली किया जा रहा है। वो स्मोक करते हुए बड़े ही आराम से कहती है कि यहाँ 3 लोगों ने पिछले साल सुसाइड किया है, जो कि एक कल्ट के मेंबर थे। इसके बाद जेसिका समझ जाती है कि आखिर माजरा है क्या। जेसिका इसके बाद पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेशन रूम में जाती हैं और वहां जाकर वो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि रूम में अपने आप उन तीनों कल्ट मेंबर्स के इंटरव्यू चल रहे होते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि कल्ट क्या है, तो कल्ट उन संगठनों को कहा जाता है जो कि रूढ़िवादी होते हैं। जेसिका सबसे पहले इंटरव्यू देख उस ग्रुप के लीडर जॉन माइकल पाइमोन का, जो कि ये कह रहा है कि वो जो कर रहा है वो पूरी तरह से सही है, बल्कि लोगों को मारना उन्हें उनकी गलतियों के लिए सजा देने जैसा है, जो कि पूरी तरह से सही है। हालांकि ये सब यही नहीं रुकता, आगे जेसिका 2 और लड़कियों के इंटरव्यू देखती है जो कि बहनें हैं। किटी और एंडोरिया पाइमोन नाम की ये दोनों बहनें भी जॉन माइकल पाइमोन का ही साथ देती हैं।
ये लोग पूरी तरह से रूढ़िवादी थे और इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि ये लोग अपने नाम के आगे पाइमोन लगाते थे। पाइमोन यानी कि नर्क का देवता। ये उसे खुश करने के लिए लड़कियों की बलि दिया करते थे और आखिर में ये चाहते थे कि वो किसी बहादुर और निडर लड़की की बलि दे। वो अपना काम पूरा कर पाते इससे पहले उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। जैसिका बड़े ध्यान से इस इंटरव्यू को सुन रही होती है तभी हमारा ध्यान टूटता है और कमरे की सारी कुर्सियां अपने आप हवा में उड़ने लगती हैं, जमीन पर नाचने लगती हैं, जैसे उन्हें फेंका जा रहा हो। वो तुरंत वहां से भागती हैं और बाहर आती हैं। गेट पर पहुंचते ही उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखता है। जैसिका को लगता है कि शायद ये भी रूकी है। वो उस पुलिस ऑफिसर को अंदर आने देती है और अंदर आकर वो पुलिस वाला बताता है कि वो जैसिका के पिता के साथ काम कर चुका है। जिस दिन उन्हें गोली लगी वो वहीं था। वो इतनी सफाई से सब कुछ बताता है कि जैसिका उसकी हर बात मान जाती है। जैसिका से बात करके वो जाने लगता है। तभी जैसिका को याद आता है कि उसका फर्स्ट इम्प्रेशन एक रूकी पुलिस ऑफिसर का था। तब ये उसके फादर का कलीग कैसे हो सकता है, और वो तुरंत उस पुलिस ऑफिसर को देखने के लिए मुड़ती है और उसके सर के पीछे बड़ा सा होल देखती है जिसमें से सब कुछ निकाल लिया गया है। वो डर जाती है, वो पुलिस ऑफिसर भी गायब हो जाता है। इसके बाद जैसिका का बुरा सपना शुरू होता है। उसे कल्ट मेंबर्स द्वारा मारे गए लोग नजर आने लगते हैं। वो सभी लड़कियां उसे दिखने लगती हैं जो कि मारी गई हैं। साथ ही उसे पन्नियों में भरे हुए लोग नजर आने लगते हैं। यह है तो लाश लेकिन इधर उधर तेजी से घूम रहे हैं। जैसिका बुरी तरह डर जाती है। तभी उसे आहट होती है और उसे लगता है कि शायद कोई आसपास है। वो देखती है कि एक लड़की सामने से गुजर रही है। वो लड़की का पीछा करती है और अचानक उसके सर पर किसी चीज से वार किया जाता है। वार के कारण वो सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक कमरे में पाती है जहां वो लड़की उसे कह रही है कि तुम बुरी हो, उसे तुम्हें नहीं चुनना चाहिए था। इस पॉइंट पर हमें ये पता चलता है कि जॉन माइकल ने जैसिका को निडर लड़की की बलि के रूप में चुना है। वो लड़की इतना कहकर खुद को शूट कर लेती है और नीचे गिर जाती है। नीचे जैसिका को नजर आता है कि एक चलती फिरती लाश मौजूद है। वो डर कर भागती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जैसिका अपनी जान छुड़ा कर वहां से भागती है और अपने चैम्बर में पहुंचती है। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है और वहां से किसी तरह से भागना चाहती है। वो दरवाजे पर शूट करती है तभी उसे किसी का फोन आता है। ये फोन है जैसिका के फादर का। जी हाँ, उसके फादर। वो उसे कहते हैं कि भागने की कोशिश ना करके जैसिका उन्हें न्याय दिलाए। जैसिका फिर रुक जाती है। जैसिका को तभी अचानक याद आता है कि स्टेशन में वो अकेली नहीं है। वो भागकर सेल में कैद किए हुए कैदी के पास जाती है। वो वहाँ पर उसकी हर कमांड मानने लगता है जिस पर जैसिका को शक होता है और वो उसे पलट कर देखती है और पाती है कि आदमी मर चुका है। दरअसल ये कल्ट से जुड़ी एक लड़की का पिता था और उस लड़की ने इसके बुरे कामों के लिए बदला लेने के लिए उसे मार दिया। जैसिका सेल में वापस जाती है और जैसिका साक्षात जॉन पाइमोन, किटी और एंडोरिया पाइमोन को देखती है। वो भाग कर वापस आती है और फटाफट अपने सीनियर ऑफिसर कॉलिन को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि उसे तुरंत यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। वो शिफ्ट नहीं करना चाहती लेकिन कॉलिन ना जाने क्यों उसे धमकी देते हैं कि अगर शिफ्ट कंटिन्यू नहीं की तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। जैसिका शिफ्ट कंटिन्यू रखती है तभी उसे कॉल आता है मोनिका का, जो कि अभी भी मदद मांग रही है। जैसिका उसे कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती, जिस पर मोनिका हंसने लगती है। इसके बाद चैम्बर में चारों तरफ कल्ट के द्वारा मारे गए लोगों की तस्वीरें गिरने लग जाती हैं और तभी कल्ट की सारी लड़कियां जॉन पाइमोन और उसकी दोनों बहनें ये जैसिका पर हमला करते हैं। जैसिका उन सबको गोलियों से भून देती है लेकिन तभी हमें ये दिखाया जाता है कि ये मेंबर कल्ट के ना होकर एविडेंस कलेक्टर टीम के हैं, जो कि मारे जा रहे हैं जैसिका के हाथों। वहाँ तभी ऑफिसर कॉलिन आते हैं, वो जैसिका को गोली मार देते हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि ये सब जैसिका का वहम था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसिका को होश आता है, उसे अपनी गलती का एहसास है। वह गाना गुनगुनाने लगती है। ये कोई और गीत नहीं बल्कि वही कोरस है जो कल्ट की मेंबर्स गुनगुनाया करती थी। जैसिका के सामने जॉन माइकल पाइमोन और दोनों बहनें आती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। ये कहानी इस क्लिफहैंगर पर खत्म होती है कि दर्शक खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते कि सच और झूठ क्या है। वैसे आपको क्या लगता है, सच क्या है और झूठ क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।